बच्चों पर बहुत ज्यादा झाइयां झुरियां बन रही हैं, तो फिटकरी का यूज आपको जान लेना चाहिए। फिटकरी आपकी स्किन के काले दाग धब्बों को दूर करती है, झाइयों के ऊपर काम करती है, स्किन के एजिंग के ऊपर काम करती है। स्किन अगर बहुत ज्यादा लटक रही है, झूल रही है, बुढ़ापा ज्यादा दिखाई दे रहा है, फिटकरी का सही यूज आपको आपकी प्रॉब्लम से निजात दिला सकता है। किस तरीके से? साथ बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी होम रेमेडीज के बारे में जो ना सिर्फ आपकी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी, आपकी खूबसूरती को निखारेगी, आपकी सेहत को किस तरह से आप ठीक रख सकते हैं घर पर बैठे बैठे सिंगल, आज की इस एक रेमेडी में, आज के इस एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ रेखा सिंह, मेरे चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ। लेके आ गई आपकी बहन आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रही है। स्किन बहुत ज्यादा डल लग रही है, चेहरे के ऊपर बाल बहुत सारे हैं, या फिर स्किन के ऊपर ऑयलीनेस बहुत ज्यादा है, स्किन के ऊपर तेल बहुत ज्यादा बन रहा है, जिसको बता दो ऐसा जब घर पे बैठे कर सके। तो लो जी, आपकी बहन फिर से लेके आ गई आपके लिए एक बहुत ही सिंपल होम रेमेडी जो आपको बनानी है सिर्फ एक चीज के साथ में। क्या है ये चीज, जो लोग जान गए हैं प्लीज मेरे को बताना जरूर। अगर आप पहचान गए हो, आगे तो वैसे मैं बताने ही वाली हूँ, लेकिन जिसने सबसे पहले पहचाना है कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट आना चाहिए, किसने पहचान लिया है। क्या ये वो खाने वाली शुगर है? नहीं जी। क्या ये चीनी है? नहीं जी। ये है जी एलम, जिसको कि इंग्लिश में एलम कहते हैं, सॉरी हिंदी में इसको फिटकरी कहते हैं, फिटकरी भी कहते हैं, बहुत लोग इसको फिटकरी कहते हैं। मुझे पाकिस्तान से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी हमारे यहाँ पे तो ना इसको फिटकरी कहते हैं, तो मैं क्या, अच्छा एक्चुअली पंजाब और नियर बाय है तो वहां पर फिटकरी यूज में आती है, मैं भी इसको फिटकरी बोलती थी, लेकिन बहुत लोग बोले फिटकरी बोलते हैं, कुछ लोग बोले एलम बोलते हैं, कुछ तो वैसे जी इसको इंग्लिश में एलम बोलते हैं और हिंदी में इसको फिटकरी कहते हैं, पाकिस्तान में फिटकरी भी कहते हैं। कौन कौन इसको कमेंट किया था प्लीज बताना जरूर। इसके ऊपर मेरे पास ना बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि दी प्लीज आप अपनी ना रेमेडी लेके आओ वापस से, लेकिन कुछ और उसमें ऐड करके लेके आना, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। फिटकरी के गुण होते हैं आपकी स्किन को टाइट करने के, ये आपकी पोर्स को श्रिंक करती है। अगर बुढ़ापा बहुत ज्यादा है स्किन के ऊपर, कलर बहुत ज्यादा डल लग रहा है, स्किन बहुत ज्यादा सांवली हो गई है, फिटकरी का सिंगल यूज अगर आप ले लेते हैं, एक बार का यूज भी लेते हैं, आपकी स्किन के ऊपर उसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ एक ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी से अगर बहुत ज्यादा स्मेल आती है, ओडोर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपके पैरों में से बहुत ज्यादा बदबू आती है, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन ड्राई है तो, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आज मैं इस एक रेमेडी में दोनों स्किन को बताने वाली हूँ, उनको अपनी स्किन पे क्या लगाना है। तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, पूरा वॉच करेंगे तभी तो समझ में आएगा ड्राई स्किन क्या लगाने वाली है, ऑयली स्किन क्या लगाने वाली है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं हूँ रेखा सिंह, यहाँ मैं लेके आती हूँ बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज जो मेरी फैमिली करके बहुत ज्यादा खुश है। उनका प्यार देखना हो तो प्लीज एक बार जाके चैनल पे घूम के आओ, कमेंट सेक्शन जरा एक बार चेक करें। चैनल के ऊपर जो रेमेडी शेयर करती हूँ उसमें जो चीजें डलती हैं, कुछ भी आपको खरीदना नहीं होता, अगड़म शगड़म कुछ नहीं होता, पैसे नहीं खर्च होते, घर पे ही आपको सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए आप इनको रेगुलर कर भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी फैमिली का हिस्सा होना है तो आपको उस रेड वाले बटन को दबा देना है, सब्सक्राइब का जो रेड वाला बटन है, और अगर अभी तक दबा दिया था तो उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद है। लाइक दे दीजिएगा वीडियो देखने के बाद में अगर कुछ भी पसंद आता है, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मायने रखता है अच्छी अच्छी रेमेडीज बना के लाने के लिए, और हमें पता चलता है कि मेरी रेमेडीज का आपके ऊपर रिजल्ट कैसा आ रहा है। बेल आइकॉन के साथ में अगर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो फ्यूचर के वीडियोस आप देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ना हमने, ये जो गट्टी आप देख रहे हैं तो बहुत हार्ड होती है, इसको आपने किसी हमाम दस्ती में कूट लेना है, जैसे कि मैं कूट रही हूँ। कूटने के बाद में इसके छोटे 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 से ना पीसेज हो जाएंगे, उसके पहले आप इसको एक बार वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप मार्केट से लाते हैं तो ये गंदी होती है, इसमें थोड़ा सा स्मेल होता है, तो इसको आपको ना वॉश करके उसके बाद हल्का सा कपड़े के साथ में टैप करके उसके बाद में इसको कूटने बैठना है किसी कूटने, उसके बाद आपने इसको करना है ग्राइंड जैसे कि मैं कर रही हूँ, लेकिन ये ग्राइंड करने के बाद भी दर्दरी रह जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपने किसी छन्नी के साथ में, स्ट्रेनर के साथ में इसको छान लेना है। अब छानना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन छानना क्यों है ये भी आप सुन लीजिए। छानने से क्या होता है, इसका जो बिल्कुल बारीक वाला पाउडर होता है जो कि हमें पैक के लिए यूज में लाना है वो हमारा अलग हो जाएगा, और जो ऊपर थोड़ा सा दरदरा बचेगा उसको हम दूसरे काम में यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ, उसको फेंकना नहीं है। अब हम तैयार करते हैं एक फेस पैक जो कि हम बनाने वाले हैं ऑयली स्किन वालों के लिए। देखिए ऑयली स्किन जो होती है ना वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सांवली लगती है,
काली लगती है और जैसे ही उनकी स्किन के ऊपर धूप पड़ती है उसकी वजह से उनकी स्किन जो होता है वो और बर्न करने लगती है, जलने लगती है। ये देखिए इस तरह से आपको इस पाउडर को बना के रख लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिटकरी का पाउडर है, ये दरदरा वाला नहीं है, एकदम बारीक वाला पाउडर है। आप देख रहे हैं ये देखिए इस तरीके से आपको ये पूरा बारीक आपको बना के मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक बार के यूज के लिए आपने लेना है 1/4, मतलब एक चम्मच का चौथा भाग आपने अपनी स्किन के लिए लेना है एक बार के पैक के लिए। ये हम लोग रोज बना सकते हैं, रोज लगा सकते हैं, इसलिए आपको इसको बना के नहीं रखना है। बहुत सिंपल है, 2 मिनट में तैयार होता है ये चीज। तो आपको क्या करना है, आपने एक चम्मच का चौथा हिस्सा जो है वो लेना है पैक के लिए। ये स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम डालेंगे जी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जब आप अपनी स्किन पे लगाते हैं और स्पेशली जब आप फिटकरी के साथ इसको लगाएंगे, तो फिटकरी का तो नेचर होता है आपकी स्किन को टाइट करने का, ब्राइट करने का। अगर आपका कलर टोन बहुत ज्यादा ही डल पड़ गया है, फिटकरी को यूज करके देख लो, आपको अपनी स्किन के टेक्सचर में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, कलर में इम्प्रूवमेंट मिलेगी, आपकी स्किन आपको पहले से भी ज्यादा टाइट लगेगी, ब्राइट लगेगी। तो हमने लिया है थोड़ा सा फिटकरी, जैसे कि 1/4 स्पून, और साथ में हम इसमें डालेंगे जी आधा चम्मच के आसपास एलोवेरा जेल। अभी एलोवेरा जेल कौन सा है, ये मेरे पास पतंजलि का है, सौंदर्या वाला है। आपके पास जिस भी ब्रांड का है आप ले सकते हैं, और अगर आपको एलोवेरा जेल जीतना है तो आयाना गुड वाइफ पर इसका गिववे चल रहा है, वहां जाके पार्टिसिपेट करो, बालों की भी रेमेडीज देखने को मिलेगी और साथ में गिफ्ट टेम्पर भी मिल जाएगा। ठीक है जी, टर्म्स एंड कंडीशन आपको वहां पे मिल जाएंगी। लेकिन आपको यहाँ पर ये करना है, एलोवेरा के बारे में बता रही हूँ कि घर वाला एलोवेरा यहाँ पर नहीं चलेगा, आपको मार्केट वाला ही इसमें एलोवेरा डालना है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है घर वाला जो एलोवेरा है वो बहुत लोगों को सूट नहीं कर रहा है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमें पैक मिल गया, लेकिन इसमें अभी एक दो चीजें और डलेंगी जो कि मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद ही आपने इसको बनाना है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और बता दूं कि जब आप इस पैक को लगा रहे हैं टाइम बहुत ज्यादा नेसेसरी है, आप इसमें टाइम का ध्यान नहीं रखेंगे एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसीलिए अभी जब तक आप ये पैक बना रहे हैं तब तक तो चलेगा, लेकिन जैसे ही अप्लाई करोगे आपको टाइम का ध्यान देना होगा, जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ कि कितनी देर के लिए आपको इसको रखना है। ठीक है, अब इसके साथ में हम इसमें डालेंगे जी थोड़ा सा ग्लिसरीन। देखिए क्योंकि फिटकरी आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई करती है, तो ये जरूरी नहीं है कि सिंगल आप फिटकरी ही इसमें यूज करें, आपको इसके साथ में सब्स्टिट्यूट डालना होगा जो आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई होने से रोके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें डालना है आपको करीब करीब आधा चम्मच ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन क्या करती है, ग्लिसरीन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन को हल्का सा एक्सफोलिएट भी करती है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती है, आपकी स्किन की एजिंग के ऊपर काम करती है, स्किन के बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है। ग्लिसरीन के बहुत सारे यूज है, और ग्लिसरीन बहुत सारे मेडिकेटेड क्रीम्स में भी यूज में आती है, और जो आप ये जो क्रीम्स आप अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं, मेकअप लगाते हैं, उसमें भी ग्लिसरीन का एक यूज है। तो इसीलिए अगर हम डायरेक्ट फॉर्म में भी अपने स्किन के ऊपर ग्लिसरीन लगा रहे हैं तो वो हार्मफुल नहीं। हमारा पैक बन के रेडी, ये ऑयली स्किन वालों के लिए है जो कि मैंने बनाया है। अगर आपकी स्किन ऑयली है आप इसको लगाएंगे, टाइमिंग का आपको मैं अभी आगे बताती हूँ कि इसको किस तरह से लगाना है और इसको कितनी देर के लिए रखना है। अब हम बनाते हैं जी ड्राई स्किन वालों के लिए पैक, क्योंकि ड्राई स्किन वालों की बहुत सारी कंप्लेन आती है कि दी हमारी स्किन ड्राई है, और ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राई मत कर दीजिएगा, प्लीज कोई पैक बता दो। तो लो जी, मैंने छोटा सा सुंदर सा मेरा फेवरेट वाला बाउल ले लिया है, और इसमें हम बनाने वाले हैं ऑयली स्किन वालों के लिए रेमेडी। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है जितना हमने पहले लिया था, एक फेस के लिए लगा रही हूं मैं, बना रही हूं, 1/4 स्पून हमने लेनी है जी फिटकरी, ज्यादा नहीं लेनी है, नहीं तो आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राई कर देगी। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे जी गिरते गिरते बच गया एलमंड ऑयल। अगर आपके पास एलमंड ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह पे विटामिन ई का कैप्सूल भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह पे कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, थोड़ा सा गर्म कर लेना क्योंकि अभी हल्की हल्की सर्दियां तो फिर भी है ही, तो कोकोनट ऑयल को हल्का सा आपने गर्म करना है, उसके बाद में आपने इसको यूज में लाना है। ठीक है, मैं आइडिया से नहीं लेती हूँ, मैं चम्मच से ही ले लेती हूँ। ठीक है, ये देखो मैं ले रही हूँ एक चम्मच भर के, क्योंकि हमने एक चम्मच का चौथा हिस्सा हमने फिटकरी लिया है, इसमें तेल डलेगा एक चम्मच भर के, क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों के लिए बन रहा है और फिटकरी ऑलरेडी ड्राई स्किन के लिए ड्राइनेस का काम करेगी। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये हमारी स्किन के काले दाग धब्बों को भी दूर करेगी, हमारी स्किन के ऊपर बनने वाली झाइयों के ऊपर काम करती है, पिगमेंट के ऊपर काम करती है। फिटकरी बहुत ज्यादा यूज की चीज है, अगर आप इसका सही यूज जान जाएंगे तो। अब ये हो गई हमारे पास दो चीजें, इसके बाद में तीसरी चीज मैं इसमें डाल रही हूँ हनी। हनी भी हम इसमें करीब करीब एक चम्मच के आसपास डाल रहे हैं, जितना मैंने ऑयल डाला है उतना ही मैं इसमें हनी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको हनी ले लेना है,
आपके पास घर का हनी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मार्केट वाला जो भी हनी आपके पास में है आप उसको इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपका ये बहुत बढ़िया सा ड्राई स्किन का पैक बनके तैयार है। देखिए कितना सुंदर सा बनके तैयार हो गए हैं, हमारे दोनों पैक रेडी हैं। ये देखिए इस तरह से, एक हमारा ड्राई स्किन के लिए है, एक हमारा ऑयली स्किन के लिए है। तो ये हमारी दोनों चीजें बनके तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप इसको लगाएंगे, जैसे अभी हम इसको तुरंत लगाना अगर शुरू कर रहे हैं तो उसके बाद में आपने इसका टाइम देखना है, कितनी देर आप इसको लगा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने इसको लगाना है। अप्लाई करने में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को पकड़ के आपने इसको लगाए रखने तक 5 मिनट टोटल लेने हैं। इससे ऊपर आपको इसको नहीं रखना है, नहीं तो ये एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी, आपकी स्किन और ज्यादा ड्राई लगेगी। वैसे ऑयली स्किन वालों के ऊपर इसका इतना असर नहीं होगा क्योंकि उनको इतना ड्राई नहीं होगा, लेकिन ड्राई स्किन वालों की स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाएगी। बट आप डरो मत, इसको लगाओ तरीके से। हर चीज तरीके से लगाते हैं ना तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। आप मेरी स्किन देख रहे हैं, मैं रेगुलर अपनी डीआईवाई इसको करती हूँ, रेगुलर अपनी रेमेडीज करती हूँ अपनी स्किन के ऊपर, ताकि मेरी स्किन इसी तरह से और अच्छी हो। आपको बहुत ज्यादा पैरों में से बदबू आती है, आप शूज पहनते हैं आपके पैरों में से बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो इट मीन्स आपकी सॉक्स वगैरह शूज बहुत ज्यादा स्मेल करते होंगे क्योंकि आपके पैरों में से बदबू है। और जहां पर भी आप इसको खोलते होंगे अपने जूते बूते तो सारे लोग इधर उधर हाँ करके भागते होंगे, बदबू करके करते होंगे, है ना, मुझे मालूम है होता है एक्चुअली। तो आपको क्या करना चाहिए, आप जब भी बाहर से घर आते हैं तो आपको थोड़ा सा तपेले में पानी गर्म करना है अपने लिए, या जैसे भी आप गर्म कर सकते हैं, आपके पास स्टीमर है स्टीमर से कर सकते हैं। तो आपको पानी गर्म लेना है 4 से 5 लीटर तक, ठीक है, और उसमें आपने वो जो दरदरा वाला फिटकरी जो हमारी ऊपर ऊपर हमने छानने के बाद ली है वो वाली फिटकरी का 1 चम्मच आपने लेना है और उस गर्म पानी में आपने डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। गर्म पानी लीजिएगा, गुनगुना नहीं, क्योंकि वो जब तक वो फिटकरी उसमें मेल्ट होगी तब तक वो पानी ठंडा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, दरदरी वाली फिटकरी लेके गर्म पानी में उसको डाल के उसको अच्छे से आपने ना मिक्स कर देना है। एक तो पानी की पहले के टाइम पे ये चीज होती थी, आज का टॉपिक नहीं है फिटकरी, ये बहुत पहले से हमारे पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है। फिटकरी वो लोग यूज करते थे स्किन के लिए भी, अगर कट्टे फट्टे के ऊपर कोई ब्लड जैसे होने लगता था उसके ऊपर आप फिटकरी लगा दो तो ब्लड रुक जाता था, ऐसे ही स्किन को व्हाइटन करने में भी बहुत हेल्प करते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ये फिलहाल मैं आपको आपकी बॉडी की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए पहली रेमेडी बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, जब वो पानी गुनगुना हो जाए उसमें आप अपने पैर रख के बैठेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट। एक तो आपको अपनी बॉडी में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, थकावट सारी उतर जाएगी पूरे दिन की, साथ ही साथ आपके पैरों में वो जो जर्म्स बन जाते हैं, बैक्टीरिया बन जाते हैं जिसकी वजह से आपके पैर बहुत ज्यादा बदबू करते हैं, उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। आप इसको 2 से 3 बार कर लीजिए हफ्ते में, आप देखेंगे धीरे 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 ग्रेजुअली आपके पैरों की उस बदबू से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और सेम चीज अगर आपके अंडर आर्म्स में से बहुत ज्यादा बदबू आती है, नहाने के बाद में लास्ट में जो 1 मग्गा पानी बचता है उसमें आपने 1/2 चम्मच इस पानी को डाल के रख देना है, और लास्ट में आपने उस पानी से अपने अंडर आर्म्स को या जहां पर भी आपको स्मेल लगती है वहां पर आपने उसको वॉश करना है। उसके बाद आपने पानी नहीं डालना है, छोड़ देना है, वहां के बैक्टीरिया मर जाएंगे, स्मेल खत्म हो। पसीने की बदबू से छुटकारा दिला दिया मैंने आपकी ड्राई स्किन के लिए बता दिया, मैंने आपकी ऑयली स्किन के लिए बता दिया। तो अब आपने क्या करना है, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो रेड वाले बटन को दबा देना है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको जाना है आयाना गुड वाइब्स पर, यहाँ पर मैं बालों से रिलेटेड बहुत सारी रेमेडीज शेयर कर रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी। अगर आपको बालों के गिरने की, झड़ने की, बालों के सफेद होने की प्रॉब्लम है तो आपको जाना है आयाना गुड वाइब्स पर। ब्लॉग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके देख लो, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लो प्यारे से कमेंट के साथ में। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, जहां शेयर करूंगी आपके साथ बहुत अच्छी सी एक और रेमेडी जो आपकी स्किन के लिए ही होगी, आपको बहुत बेहतरीन उसके रिजल्ट मिलेंगे।